हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। देखिए इसमें लास्ट में फ्लावर्स आए हैं तो अभी भी सब खिले हुए हैं, और ये पहले के फ्लावर्स सारे इसमें सबसे पहले आए थे, झल गए। इसमें भी सूख रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो इस वजह से सूखते बहुत जल्दी हैं क्योंकि फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। और ये देखिए इतना बड़ा गुच्छा है, ये भी पूरा सूखने लग गया है, कलर फेड होने लग जाता है, तो उसे पता चल जाता है सूख रहे हैं। और ये नए फिर से आगे को आने लग गए हैं, इसमें पूरा भरा हुआ था, झल गए सारे फूल। ये देखिए सारे यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो गए हैं झल के, और इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है पर्सलिन में। तो इस तरह से अभी चंपा में नहीं आया, चंपा तो मेरा बेचारा ग्रोथ ही करता है, फूल के टाइम पे उसको बंदर आके तोड़ देते हैं, तो फिर से वो अपने नए सिरे से स्ट्रगल करता है, वो अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है अभी तक। ये सूखे फ्लावर्स भी हटाने हैं, इतने सारे सूख, जब भी आती हूँ रोज़ थोड़े थोड़े से फ्लावर्स को मैं हटाती रहती हूँ, और इसी में ही मैं डाल दे देती हूँ। ये देखिए पर्सलिन के फ्लावर्स देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं शेड ये। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एलोवेरा पे, एलोवेरा प्लांट पे हम बात कर रहे हैं। एलोवेरा प्लांट जो है हमारा बहुत ही बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, तो अब वो मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फिर हमने क्या किया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उसमें से मैंने निकाल लिया। अभी उसकी मैं कंडीशन आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा हो गया था, ये जैसा ये है लाल लाल सा अजीब सा ऐसा, ये देखिए ये भी है, ये लाल लाल हो गया था, ऐसा हो गया था जैसे ये है हमारा, ऐसे ही हो गया था। तो अब मैंने फिर उसको क्या किया, इसमें से पूरा ये पॉट हमारा भर गया था, ज़रा सा भी स्पेस नहीं था, सारा ही भर गया था। अब ये देखिए फिर से ये ठीक होने लग गया है, ये देखिए इसकी ऐसी ही थी ये लीफ, जैसी ये लीफ आपको दिख रही है ये नीचे की, ऐसी ही थी, अब ये ठीक होने लग गया है। अब इसमें भी देखिए अच्छा होने लग गया है रंगत, ये देखिए बीच से थोड़ी ठीक होने लग गई है, पूरा ही ये बेकार हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों क्या हो गया इसमें, ये इस टाइप से क्यों हो रहा है, और मैंने इसी में से इसी तरह के लाल लाल निकाले थे, फिर मैंने लगाए थे, आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए लगाए थे तो बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, ये देखिए इस तरह से कंडीशन रेड रेड थी, ये देखिए पूरे इसी तरह से थे, ये देखिए अब ये देखिए हरा होने लग गया, ये वाला भी बिल्कुल ही ऐसा था रेड, ये देखिए हरा होने लग गया है, और ये भी अच्छा हो गया है, ये भी अच्छा हो गया, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल रेड थे, अब देखिए अच्छे होने लग गए हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा था, किस लिए हो रहा था, उसी टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस पॉट में प्लांट बहुत हो गए थे, इतने बेबीज आ गए कि पूरा पॉट फिल हो गया, और फिल होने के बाद क्या हुआ, न्यूट्रिशंस की कमी हो गई। जब हमारे प्लांट को फुल डाइट नहीं मिलेगी तो वो वीक होगा, वीक होने के कारण ये देखिए ऊपर से सूखने भी लग गया था ये, तो मुझे ऐसा लग रहा था अब ये नहीं रहेगा। तो फिर भी मैंने ये कोशिश की, मेरे माइंड में आया कहीं ये ज़्यादा प्लांट की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हर प्लांट्स को न्यूट्रिशन तो चाहिए, भले ये बिना केयर के चलता है, बट इसको भी कुछ ना कुछ तो भोजन अपने लिए चाहिए, एनर्जी के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ही होगी,
इसीलिए ये प्लांट मेरा ऐसा हो रहा था। और फिर मैंने ये जो है, मेरे पास ग्रो बैग ऐसे ही रखे हुए थे किचन के, जो जो हमारे ग्रोसरी का सामान आता है, मैंने उसी में ही इनको फिर मैंने रिपोर्ट कर दिया। मैंने कोई पॉट का इंतजार नहीं किया और इनमें पॉट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा मोटिव इनको सेव करने का था, क्योंकि ये बहुत अच्छा एलोवेरा है, इसमें बहुत अच्छा मतलब जूस होता है, बहुत ही पल्प इतना मोटा सा निकलता है, इसलिए मैंने इसको सेव किया। और इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, गोबर की खाद दी है, मिट्टी में गोबर की खाद डाल के मैंने इसको लगाया है, और कुछ भी इसमें नहीं दिया है, क्योंकि एलोवेरा खुद फंगस और फंजीसाइड का काम करता है, तो उसको किसी अदर चीज़ की कोई नीड नहीं है, बस उसको ग्रो होने के लिए गोबर की खाद ही सफिशेंट है, तो और कुछ भी मैंने नहीं दिया है। और अगर आप लोगों के प्लांट भी किसी भी फ्रेंड्स के हमारे ऐसे हो रहे हैं, जैसे नए लोग हैं, उन्होंने अगर एलोवेरा लगाया है और इस तरह की उनकी कंडीशन हो रही है, तो वो भी अपने प्लांट्स को डिवाइड कर दें। बहुत आसानी से ये निकल जाता है, इसको मैंने पूरा नहीं मैंने हटाया, बस ऐसे एक आप ऐसे पकड़िए, इस तरह से पानी डाल दीजिए, उसके बाद इसको बस खींचिए और ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए रूट समेत आ गया है ये बाहर, और देखिए पूरा लाल लाल हो रहा है। इसको भी मैं अलग पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी, फिर आप देखिएगा ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये फिर से अपने को अच्छा कर लेगा। यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि मैं सोचा ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो हो सकता है ऐसा किसी और के साथ भी हुआ हो या हो रहा हो, तो वो भी अपने एलोवेरा के प्लांट को सेव कर लेगा, क्योंकि एलोवेरा हमारे गार्डन में बहुत काम आता है। हमें कोई कटिंग लगानी है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और हमें कुछ अपने ऊपर अप्लाई करना है, फेस पे, बालों पे, तो भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी वाला अला एलोवेरा है। अगर इसको एक प्लांट को अलग बहुत अच्छे से पॉट में हम खाद दे के लगाएंगे, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छी इसकी लीव्स जो है जितनी खूब मोटी मोटी आएंगी, ये देखिए अच्छी खासी इसकी खूब चौड़ी मोटी लीव्स हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ शेयर की, उम्मीद करती हूँ शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।